हमारी यूपी के बलिया से हैं, जहां बलिया जनपद के फेफना विधानसभा में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत फेफना विधानसभा के फेफना में आयोजित 565 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह को यूपी के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ देखने को मिली। इस शादी समारोह में मंत्री अनिल राजभर व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी सम्मिलित हुए। जनता में काफी उत्साह दिखा। विवाह में माननीय राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने समारोह में आए लोगों का अभिनंदन और स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत राम सीता विवाह से हुई। इस कार्यक्रम में दिल्ली और लखनऊ से आए कलाकारों ने राम और सीता के विवाह का नाटक मंचन किया। कलाकारों ने अपनी लोक कला के माध्यम से लोगों को राम और सीता के आदर्श जीवन के बारे में बताया। वैवाहिक समारोह में आए जोड़ों ने जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीपिका तिवारी और डॉक्टर विपुलेंद्र प्रताप से आशीर्वाद ग्रहण किया। विवाह कार्यक्रम की शुरुआत बनारस से आए ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के साथ हुई। 565 जोड़ों ने आज एक साथ एक होने का वचन लिया। लोगों के खाने पीने और जलपान की व्यवस्था भी की गई, साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वैवाहिक कार्यक्रम में मंत्री उपेंद्र तिवारी और उनकी धर्मपत्नी ने पूजा अर्चना करके वर वधु को आशीर्वाद दिया और उनके नए जीवन के लिए मंगल कामना की। देखिए, आज यहाँ पर मैं और हमारे साथी मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी, हम दोनों भाई यहाँ, तीसरे हमारे जो भाई हैं उत्तर प्रदेश सरकार में खेल मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी जी, एक अनुकरणीय और अद्भुत कार्यक्रम उन्होंने किया। सरकार सामूहिक विवाह कर रही है और उससे प्रेरणा लेते हुए भाई उपेंद्र तिवारी जी ने सैकड़ों बहनों के हाथ पीला करने का संकल्प लिया। आज वो कार्यक्रम यहाँ धरती पर, धरातल पर उतर रहा है। मैं देख रहा हूं कि लाख लोग पूरे फेफना विधानसभा के कोने कोने से, बलिया के कोने कोने से, बल्कि हमसे तो कई मऊ के भी साथी मिले, गाजीपुर के भी साथी मिले। इस तरह का अद्भुत कार्यक्रम उपेंद्र तिवारी जी ने किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरह का सहयोग यहां की सम्मानित जनता इस कार्यक्रम को दे रही है, मैं इस बात के लिए जनता का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश में चल रहा है, ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो बलिया को खास तौर से आपने क्यों? नहीं, सब जगह ऐसा होना चाहिए। देखिए, सरकार जो सामूहिक विवाह कर रही है वो तो कर ही रही है, अगर उसके इतर सरकार के इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर अगर कोई भी आदमी गरीब बहनों की, गरीब बेटियों के हाथ को पीला करने का कार्यक्रम बनाता है, शादी विवाह का कार्यक्रम बनाता है, वो तो स्वागत योग्य है। उस पर सवाल खड़ा करना का कोई औचित्य नहीं है, वो तो स्वागत है, सबको करना चाहिए। अनिल राजभर का कहना है, अनिल राजभर का कहना है, जोड़ों की शादी होगी यहाँ पे। अभी तक जो हम, जब तक हम थे तब तक करीब 565 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और मंत्री जी ने यह भी ऐलान किया है कि जो भी जोड़े आएंगे हम सबकी शादी करेंगे। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि यहाँ आपका जनाधार कम हो गया है, यहाँ आपको कोई पहचानने वाला उनका जो है उनका। ओम प्रकाश राजभर ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी कहा कि पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से ज्यादा जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। परिणाम क्या है आप लोगों के सामने है, 2019 के लोकसभा का। अब जनता जनार्दन के बीच में जाने का समय आ गया है और इस तरह के लोग आप देखिए ना, सैयद सलार मसूद को सम्मानित करने वाले लोग, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का अपमान करने वाले लोगों को जनता माफ करने वाली है क्या?